चैप्टर एक्सटैटिक डांसिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु ड्यूरिंग रथ यात्रा। So last time we discussed that water flowed from Chaitanya Mahaprabhu's eyes and like torrents of nectar coming out from moon, and when Chaitanya Mahaprabhu was in ecstatic mood and that foam created from Chaitanya Mahaprabhu's mouth fell on the ground, and there was a devotee, his name was Shubhananda. Shubhananda took that foam from Chaitanya Mahaprabhu's mouth and he started to eat those foam. And then Chaitanya Mahaprabhu started demonstrating dance. So when Chaitanya Mahaprabhu was dancing, Sarvadamodar Goswami was singing a special song, and Chaitanya Mahaprabhu was feeling ecstatic. So then Rath started to move slowly. So this way, when Chaitanya Mahaprabhu, he was गौर यदि पाछे चले श्याम होय स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। दिस इज वेरी नाइस दैट गौर यदि पाछे चले, गौर मीन्स चैतन्य महाप्रभु, गौर यदि पाछे चले दैट मीन्स इफ चैतन्य महाप्रभु ही वुड फेल बिहाइंड, अगर पीछे चलते हैं श्याम होय स्थिरे, देन श्याम मीन्स लॉर्ड जगन्नाथ, श्याम वर्ण, देन जगन्नाथ भी स्लो हो जाते हैं, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। और जब चैतन्य महाप्रभु आगे नृत्य करते हैं श्याम यानी कि लॉर्ड जगन्नाथ भी धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे डांस करते हैं ये जगन्नाथ भी इस प्रकार जगन्नाथ जी के रथ चलते थे। यही मत गौर श्यामे दो स्वरथे श्यामेरे राखे गौर महाबली। अब इसमें बहुत सुंदर एनालॉजी दे रहे हैं कि कंपटीशन किसके बीच में चल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ के बीच में, लेकिन दोनों में से कौन शक्तिशाली ज्यादा है, चैतन्य महाप्रभु या जगन्नाथ? जगन्नाथ में शक्ति ज्यादा है, लेकिन इसमें बता रहे स्वरथ श्यामेरे राखे गौर महाबली, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को इसमें महाबली बता रहे हैं जो इतने शक्तिशाली है कि श्याम जगन्नाथ को रथ के नीचे आने नहीं दे रहे लेकिन दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इसमें ये भी पता चलते कि भगवान के जितने अवतार हैं सबसे श्रेष्ठ है चैतन्य महाप्रभु के अवतार। नाचिते नाचिते प्रभुर, इन दिस वे चैतन्य महाप्रभु डांसिंग, ही एस्थेटिक यू नो मूड डेवलप, एंड चैतन्य महाप्रभु रेज्ड हिज टू आर्म एंड ही स्टार्टेड टू सिंग ए वर्स।
या कुमार हर्षा वही बरसता एव चित्र क्षपा ते चन्मिलित मालती सुरभ्य प्रौढ़ा कदम बानीला सा चैवाश्मी तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवा रोदसी वितसी तुरुतले चेता समुत कंठते। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु रथ के समक्ष हर साल ये भजन गाते थे, और इसमें ये बेसिकली बता रहे हैं कि राधा रानी और कृष्ण के बीच में कोपनीय वार्तालाप, जब भगवान कृष्ण बहुत साल बाद कुरुक्षेत्र में जाते हैं, राधा रानी से मिलते हैं, तो राधा रानी की जो मन की दशा है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है जिनको मैं कुरुक्षेत्र में अभी देख रहा हूँ, ये युवा अवस्था में मेरा मन हरण कर लिया, मेरा हृदय हरण कर लिया, चोरी कर लिया, लेकिन वो सेम व्यक्ति है और सेम चैत्र महीना है और मालती फूल की खुशबू भी उस प्रकार जिस प्रकार वृंदावन में बहती है, लेकिन मैं भी सेम व्यक्ति हूँ और वो भी सेम है, लेकिन फिर भी मेरा मन खुश नहीं। मेरा मन क्यों बार बार उस रेवा नदी के तट पर जो मेरे प्रियतम कृष्ण से मिले उस दृश्य को बार बार याद कर रहा है। तो इस ये जो संस्कृत श्लोक है ये कौन गाते थे? चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की मूड में है और जगन्नाथ कौन है? कृष्ण है। तो कहाँ जा रहे? कुरुक्षेत्र में। अभी ये प्रश्न आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु इसमें ऐसे ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चला इस मतलब दुनिया में किसी को पता नहीं था इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने किसी नदी का नाम लिया, वृंदावन का नाम उच्चारण किया नहीं। वो चैतन्य महाप्रभु यमुना के किनारे में जो वृक्ष है, वृक्ष का नाम दे दिया बेतसी वृक्ष, और यमुना के नाम दे दिया रेवा, और बता रहे कि यंग लड़का लड़की के जो अफेयर है उस टाइप के बता रहे। आप कैसे लोगों को समझ में आएगा चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे? तो ताकि किसी को समझ में नहीं आए इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अपना मनोभाव गीत के माध्यम प्रस्तुत की। यही श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार स्वरूप बिना अर्थ क्यों ना जाने इहार, ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु बार बार उच्चारण कर रहे थे रात के सामने। सिर्फ एक व्यक्ति इस श्लोक का अर्थ समझ पाते थे, वो कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु की सेक्रेटरी थे। एक ही व्यक्ति समझ पाते थे और कोई नहीं। এই শ্লোকার্থ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান, শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান। তো ইয়ে পহলে ভি দু তিন বার আ চুকা হ্যাঁ ইস মধ্যলীলা মে, লেকিন ইসকো ব্রিফলি বতায়েঙ্গে। পূর্ব যেছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া আনন্দিত মন। তো ইসকা এক্সপ্লেন করে জাস্ট লাইক প্রিভিয়াসলি অল দ্য গোপীজ অফ বৃন্দাবন দে ওয়েন্ট টু কুরুক্ষেত্র এন্ড দে হ্যাড দর্শন অফ কৃষ্ণ, দে বিকেম ভেরি হ্যাপি আফটার সিইং কৃষ্ণ আফটার লং টাইম। জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল, সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া ধুইয়া গাওয়াইল। তো সিমিলারলি হন চৈতন্য মহাপ্রভু সল লর্ড জগন্নাথ, হি অলসো ডেভেলপ সেম মুড লাইক গোপীজ অফ বৃন্দাবন যে স কৃষ্ণ ইন কুরুক্ষেত্র আফটার লং টাইম। অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন, সেই তুমি সেই আমি সেই নবসঙ্গম। तो देन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने क्या बता रहे हैं? हे कृष्ण, आप वो सेम कृष्ण और मैं वो सेम राधा रानी, शेय नव संगम, और ये लगते कि हम दोनों फिर से नया करके मिल रहे हैं, मुलाकात हो रहा है। तथापि अमर मौन हरे वृंदावन, वृंदावन उदय कराओ अपन चरण, बट मेरा मन फिर भी वृंदावन में जो कृष्ण उसके बारे में सोच रहे हैं। तो कृष्ण आप कृपा करके वृंदावन के आपका चरण धूल दे। यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहा पुष्पारण्य भृंग पिकनाद सुनी। तो राधा रानी क्या बात रही है? मतलब चैतन्य महाप्रभु कि यहाँ पर इस जगह में कितने लोकारण्य, हजार हजार लोग हैं, कोई अगर प्रेम करना चाहते हजार लोग थोड़े ना प्रेम करेंगे। एंड हाथी, कितने हाथी आए, घोड़ा रात ध्वनि बहुत आवाज हो रहा है, और क्या है ये
क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारका का राजा है, इसलिए उनके साथ मंत्री मिनिस्टर सब लोग थे। लेकिन तहां वृंदावन में के पुष्पारण, वहां पे सिर्फ फूल बगीचा है और बौन है, भृंगा मधुमक्खी नाद और पक्षियों की आवाज वहां पर बहुत सुंदर सुनने को मिलते हैं। यहाँ राजा विश्व संगे शव क्षत्रियगण, कहाँ गोप विश्व संगे मुरली वदन, और कंपेयर कर रहे थे राधा रानी जब कृष्ण को कृष्ण से मिले कुरुक्षेत्र में, सबसे पहले क्या बताया यहाँ पे किस प्रकार आवाज आ रहा है, राजा मंत्री मिनिस्टर बहुत लोग हैं, वहां पे निर्जन स्थान है, वहां पर क्या है पक्षियों की आवाज है और वन बगीचा है। और सेकेंड श्लोक में क्या बता रहे यहाँ राजवेश, इसमें तो हे कृष्ण आपके राजवेश, संगे शब क्षत्रिय गण, साथ में क्षत्रिय योद्धा गण है आपके साथ, और तहा गोपवेश, वृंदावन गोपवेश में रहते, साथ में कोई नहीं रहती, संगे मुरली वदन, सिर्फ साथ में से बांसुरी और कोई नहीं है, तो कोई कोई किसी से प्रेम करते तो अकेले में मिलना चाहेंगे ना, थोड़ी ना उनके पूरे मित्र मंडले के साथ मिलेंगे, तो वृंदावन में सिर्फ आप गोपवेश में रहते हैं, साथ में एक मुरली ध्वनि और कुछ है नहीं। ब्रजे तुमार संगे जे सुख आस्वादन, से सुख समुद्रेर यहाँ नहीं है कौन, हे कृष्ण वृंदावन में आपके संग में जो सुख मिला हमें, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में एक कण भी उसका सुख नहीं मिल रहा है, यद्यपि आप यहाँ पर विराजमान फिर भी एक कण भी सुख नहीं मिल रहा है जो वृंदावन में मिलता था। अमल भैया पुनः लीला करह वृंदावने, तबे अमार मनोवांछा हई तो पुराने, अमान लोहिया पुनः लीला करो वृंदावने, देन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को बोल रहे हैं जो राधा रानी कृष्ण से बताए कि मुझे लेकर वृंदावन में फिर से वो लीला कीजिए, तबे अमार मनोवांछा हई तो पुराने, तभी मेरा मन की इच्छा पूर्ण होगी। भागवते आच्छे जय छे राधिका वचन, पूर्वे तथा तहा सूत्र मध्य करी अच्छी वर्णन, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में राधा रानी की जो वर्णन है, जो भगवान कृष्ण से मिलने के बाद किस प्रकार मनोभाव व्यक्त की, उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी कर रहे थे यहाँ पे। सही भावावेश प्रभु पढ़े हर श्लोक, सही सब श्लोक अर्थ नहीं बुझे लोग, और उस राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु और एक श्लोक पढ़ते हैं जिसका अर्थ उसका अर्थ भी किसी को पता नहीं था, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु समझते थे। और स्वरूप दामोदर स्वरूप गोसाई जाने ना कहे अर्थदार, श्री रूप गोसाई कहिलो से अर्थ प्रचार, ये बहुत बहुत सुंदर सेक्शन कि स्वरूप गोस्वामी जानते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और कोई नहीं जानते थे, लेकिन रूप गोस्वामी इस श्लोक का और एक मीनिंग निकल गया, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु किसी को नहीं बताए। स्वरूप संगे जार अर्थ करे आस्वादन नृत्य मध्ये शेष करण पठन, तो चैतन्य महाप्रभु जब ये श्लोक उच्चारण करते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी से संगति करते करते रूप गोस्वामी के भी ये समझ गए, तो ये वृंदावन की गोपियां बता रहे भागवतम की श्लोक जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में मिले थे, तो ये इस प्रकार इसको बांग्ला में कविता के रूप में, अन्य हृदय मौन मोर मौन वृंदावन मने बने एक करी जानी, ये बता रहे कि राधा रानी की मूड में जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि अन्य हृदय मौन, इसका मतलब क्या है कि अधिकतर लोगों का इस भौतिक संसार में मन और हृदय एक, समझ गए आप लोग, मन और हृदय एक ही, हम हमेशा बोलते हैं ये मन में क्या सोच रहा है हृदय में क्या है, तो इसमें बता रहे कि अधिकतर लोगों इस भौतिक संसार में सबका मन और हृदय एक ही, लेकिन मोर मन वृंदावन, लेकिन मेरा मन कहाँ पे है, वृंदावन में है, सदैव हमेशा वृंदावन में है, मने बोने एक कोरे जानी, और इसलिए मेरा मन और वृंदावन एक है, समझ रहे हैं, बाकी लोगों के लिए मन और हृदय एक है लेकिन मेरे लिए मन और वृंदावन एक है,
ताहा तुमार पदद्वाय कराह यदि उदाय तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी। हे कृष्ण, आप कृपा करके उस वृंदावन में अगर आप चरण धूलि दे तो हम समझेंगे कि आप हमारे ऊपर कृपा की। ये कौन राधा रानी बता रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु अभी जगन्नाथ के उद्देश्य में बता रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट, मोर मौन वृंदावन, ये चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। इसका अर्थ ये है कि हम शरीर को कहीं भी रख सकते, मन को वृंदावन में रखना चाहिए। एक माताजी थी इस्कॉन में, तो तमाल कृष्ण महाराज की डिसाइपल, वो अमेरिका में थी और शरीर कैंसर था, डॉक्टर बताया कि उस दिन में शरीर छोड़ देंगे। तो वो महाराज से बताया, महाराज जी हम अंतिम समय में हम वृंदावन में रहना चाहते। तो महाराज तब ये बताया, मोर मन वृंदावन, शरीर को तुम अमेरिका में रखो, मन को वृंदावन में रखो। तो इसलिए मन को हमें वृंदावन में रखना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे और साथ में श्रीमती राधारानी भी इस प्रकार बता रही थी। प्राणनाथ सुनमोर सत्य निवेदन, ब्रज अमर सदन तहा तुमर संगम ना पाइले ना रहे जीवन। तो देन राधारानी बता रहे कि इस प्रकार है कृष्ण, ब्रज अमर सदन, सदन मतलब क्या है, घर, वृंदावन है मेरा घर। अगर वृंदावन में आप नहीं मिलते हो तो मैं प्राण रख के क्या करूंगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु या श्रीमती राधारानी, पूर्वे उद्धव दारे एवे शक्षत अमरे जोग ज्ञाने कोहिला उपाय तुमी विदग्ध कृपमाय जान अमर हृदय मोर अच्छे ओछे कोहित ना जुजाय। पूर्वे उद्धव दारे, पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, किसके द्वारा, उद्धव के द्वारा। उद्धव को भगवान कृष्ण एक बार वृंदावन में, जैसे जो भगवान कृष्ण के पिता माता नंद महाराज यशोदा और उनके जो मित्र सखा सखियां सबकी संवाद लेने के लिए, तो तुमी विदग्ध कृपामय जानह अमर हृदय मोरे ओछे कोहित ना जाय। हे कृष्ण, आप विदग्ध, विदग्ध मतलब क्या है, बहुत ही स्कॉलरली नॉलेजेबल, कृपामय बहुत ही कृपालु है, जानह अमर हृदय, तो आप परमेश्वर भगवान है, आप जरूर मेरे मन की बात आप जानते, मोरे ओछे कोहित ना जुजाय, लेकिन आप मेरे मन की बात आप जानते हैं, लेकिन मुझे इस प्रकार बोलना शोभा नहीं देते। मैं कैसे बोल सकते स्त्री होकर कि हे कृष्ण आपके बिना हम नहीं जी सकते, अच्छे नहीं जान, लेकिन आप तो कृष्ण, आप भगवान परमेश्वर, आप सबके हृदय जानते, तो आप तो जानते मेरे मन में क्या चल रहा है, इसलिए आप कृपा करके वृंदावन वापस आ जाए। चित्त काढ़ी तुम होते विषय चाहिए लगाते यत्न करी नारी खंडी बारे तार ध्यान शिक्षा करह लोक हसाइया मारा स्थान स्थान ना करे विचारे। चित्त काढ़ी तुम होते विषय चाहिए लगाते। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु ये राधारानी क्या बता रहे हैं कि चित्त काढ़ी तुम होते, ये बहुत सुंदर बात रहे राधारानी, जब ये चेतना महाप्रभु कि मैं चाहता हूं कि ये चेतना है, मेरी चेतना है कृष्ण आपसे उड्रल करके विषय चाहिए लगाई थे, भौतिक चीजों में मैं मेरी चेतना को लगाऊं, ये उल्टा है। हम क्या बात रहे, भौतिक चीजों से चेतना को हटा के भगवान की सेवा में लगाऊं, लेकिन राधारानी क्या बता रहे कि हे कृष्ण मैं प्रयास करता हूं कि आपसे चेतना, मेरी जो चिंता चेतना आपसे हटके मैं भौतिक चीजों में लगाऊं विषय, लेकिन यत्न करी नारी खड़ी बारे,
कितने भी प्रयास करता हूं मैं, फिर भी मेरा मन आपके बारे में सोचते रहते तो हमारे साथ ये उल्टा है, हम कितना भी प्रयास करते हैं भौतिक चीजों से मन को हटा के कृष्ण में लगाने के लिए, मन बार बार भौतिक चीजों में चले जाते हैं। एक माला जप करते समय 108 मध्य में 100 बार से चले जाते भौतिक चीजों में। और राधारानी बता रहे हैं, मैं कृष्ण तुम मुझे छल किए, मेरे साथ धोखा दिया, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भूल कर मैं भौतिक चीजों के बारे में सोचूं, लेकिन क्या करूं, जितने बार भौतिक चीज के बारे में तुम्हें भूलना चाहते भूल ही नहीं पाता। यत्न करो, मैं कितना प्रयास किया फिर भी मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तारे ध्यान शिक्षा कराओ, लोग को हंसाई मारो, थाना स्थान ना करो बिचारे। तारे ध्यान शिक्षा कराओ, लोग को हंसाई मारो, थाना स्थान ना करे। तो तारे ध्यान शिक्षा कराओ, क्या ध्यान करते हैं? आपकी जो शिक्षा है, भगवान कृष्ण की जो शिक्षा है, गीता भागवत में जो भगवान कृष्ण शिक्षा दी, उसका ध्यान करते रहते हैं हमेशा। लोग हंसाई हमारो, और इसलिए लोग हंसते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, ये क्या बक रहे हैं। इसलिए यू आर किलिंग मी इनडायरेक्टली, मारा, आप मुझे मर रहे हैं इस प्रकार, दर्शन नहीं देकर। थाना स्थान ना कर बिचारे। तो इस प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे किसको, जगन्नाथ, लव भगवान जगन्नाथ। तो इस प्रकार कोई जब प्रार्थना करते आकुति करते भगवान से, भगवान क्यों नहीं दर्शन देंगे? जो भौतिक चीज के बारे में, भौतिक चीज उनके उनके चिंतन में आ ही नहीं रहे प्रयास करने के बावजूद भी, तो भगवान के शुद्ध भक्त की स्थिति इस प्रकार, ये भौतिक संसार के प्रति एक बूंद बिल्कुल भी उनकी आसक्ति नहीं है, बिल्कुल आसक्ति नहीं रखते भौतिक चीजों के बारे में। नहे गोपी योगेश्वर पद कमल तुमार, ध्यान करी पाइवे संतोष तुमार, वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटिनाटी, शुनि गोपीर आरो बड़े रोष। नहे गोपी योगेश्वर, हे कृष्णा, ये जो वृंदावन की जो गोपियां हैं ये तो योगेश्वर नहीं है, ये तो योगेश्वर नहीं है। योगेश्वर, योगेश्वर का मतलब है कि योगियों में श्रेष्ठ है, योगियों का ईश्वर। ये तो योगी नहीं वृंदावन की गोपियां, कि पौधो कमल तुम्हार ध्यान करी पाए संतोष, कि आपके चरण कमल ध्यान करके संतुष्ट हो जाएंगे कि अगर योगी लोग जो है वो तो भगवान के चरण कमल ध्यान करके संतुष्ट हो जाते। तो वृंदावन की गोपियां ये बता रहे हैं, हम थोड़ी ना योगी हैं कि आपके चरण कमल ध्यान करके संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं, हम तो भक्त हैं। आप अगर हमें अगर कोई बोलते चलो भगवान के चरण ध्यान करो सुबह शाम दोपहर, हम अच्छा लगे हमें? नहीं, हमें लगता चलो भगवान के लिए थोड़ा भोजन बनाएंगे, भगवान को भोग चढ़ाएंगे, भगवान के लिए माला बनाएंगे, भगवान के लिए कीर्तन करेंगे, हम अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज करते हैं। योगी लोग ध्यान करते हैं कि हम तो वृंदावन की जो गोपियां हैं योगी नहीं है, तो आपके चरण कमल ध्यान करके हम संतुष्ट थोड़ी ना रह पाएंगे योगी हो जैसे। तुमार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटिनाटी शुनि गोपीर आरो बड़े रोष। और ये यो गोपी, वृंदावन की गोपियां हैं, उन लोग अगर इस प्रकार ध्यान करने के लिए उनको बताते हैं कोई कि भगवान कृष्ण के ध्यान करो, अभी भगवान कृष्ण है नहीं वृंदावन में, तो ये एक प्रकार बोलने से वो लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते कि हम क्यों उनके ध्यान करें। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को बता रहे हैं,
देहा स्मृति नाही जार संसार को कहा तार, तहा होइते ना चाहे उद्धार। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये द्रौपदी भी कोट करते थे ये लाइन। देहा स्मृति नाही जार, स्मृति मतलब मेमोरी, जो ये भूल चुका है कि वो शरीर नहीं है, नाही जार जिसका शरीर ज्ञान नहीं है। संसार कूप कहा था, कूप मतलब क्या जानते, कूप मतलब कुआं। तो संसार को एक कुआं के साथ तुलना करते, किस प्रकार को अंधा कुआं है, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं जिस कुआं में गिरने से पानी तो नहीं मिलेगा, प्यास तो नहीं मिटेगा, बल्कि सांप बिच्छू जहरीला जो जानवर है वो हमें कटेगा। तो इसलिए इसमें बता रहे कि जिनका शरीर ज्ञान नहीं है वो इस भौतिक संसार में दुख कभी नहीं मिलेगा उनको। तहां होइते ना चाहे उद्धार, तो इसलिए बता रहे कि वृंदावन के जो गोपियां हैं, बिरह समुद्र जले काम तिमिंग गिले गिले गोपी गणे नेह तार पार। तो उसी प्रकार वृंदावन की जो गोपियां हैं ये भी एक प्रकार समुद्र में गिर गए। कौन से समुद्र में? विरह रूपी समुद्र में। और उसमें तिमिंगिल, तिमिंगिल तिमी जैसे मछली है, बड़ी बड़ी मछली है, वो काट रहे हैं। इसलिए गोपी गाने नेहो तार पार, इसलिए भगवान कृष्ण समुद्र पार करके गोपियों को बचाओ। तो जिस प्रकार एक अंधेरा में गड्ढा में अंधकुआ में गिर जाने से हमें कोई बचाने वाला चाहिए, उसी प्रकार हम भी इस प्रकार आपके विरह में हम लोग गिर गए समुद्र में, हमें बचा लीजिए। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन बन शेई कुंजे रसादिक लीला, शेई ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण बड़ चित्र कैमने पाशरिला। वृंदावन गोवर्धन यमुना नदी वृंदावन के सारे वन, शेई कुंजे रसादिक लीला और उस वृंदावन के सभी कुंज में रासलीला आदि हम करते थे। श्री ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण, उस वृंदावन की जो ब्रजवासी है, आपकी जो माता है यशोदा, आपके पिता है कृष्ण नंद महाराज, बंधुगण आपके जो सखा है, बड़ो चित्र कैमने पाशरिला। तो क्या बता रहे हैं ये गोपी के, वृंदावन की गोपियां जब भगवान कृष्ण मथुरा में कुरुक्षेत्र में मिले थे बहुत साल बाद, अब चैतन्य महाप्रभु वो सेम चीज बता रहे जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रहा था, कि आप वृंदावन गोवर्धन यमुना वन कुंज जहां पर रस लिखे थे ऐसी जगह छोड़ के कैसे रह रहा है, और इसके ऊपर क्या है, वृंदावन वासी जो आपके प्राण था, आपकी माता है, आपके पिता है और आपके सखा है, बड़ा चित्र बहुत ही विचित्र है, आप इनको छोड़ के चले गए, बिल्कुल आपको याद नहीं आ रहा इन लोगों की, कैमोने पाशर ले, कैसे आपने उनको भूल गए, कैसे कठोर हो गए थे आप चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बात रहे कृष्ण। विदग्ध मृदु सदगुण सुशील स्निग्ध करुण तुमी तुमार नाही दोषाभास, तवे जे तुमार मौन नाही स्मरे ब्रजजन से आमार दुर्दैव विनाश। तो इनको बताए कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण विदग्ध बहुत ही आप विद्वान है, मृदु बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, सदगुण आपके अंदर सभी सदगुण है, सुशील आप बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, स्निग्ध बहुत ही कोमल स्वभाव के, करुण आप बहुत ही कृपालु है, तुम्ही तुम्हार नाही दोषाभास, तो आपका तो कोई दोष हो ही नहीं सकते है कृष्ण, इतने गुण है आपके अंदर। तबे जे तुम्हार मौन नाही स्मरे ब्रजजन से आमार दुर्दैव विलास, लेकिन फिर भी है कृष्ण आपके मन में एक बार भी वृंदावन वासियों की याद नहीं आ रहा है, तो ये तो हम लोगों का ही दुर्भाग्य है, दुर्दैव मतलब हम लोगों का पिछले जन्म का कर्म फल, इसलिए आप हमें दर्शन नहीं दे रहे। तो ये कितना सुंदर मनोभाव, भक्तों की मनोभाव इसमें बता रहे हैं कि एक भक्त कभी भी किसी चीज के दोषारोप नहीं करता, अपना दोष देखते,
देखिए इन लोग कृष्ण से प्रेम करते थे और वहां पे कैसे कितना कितना बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं कि आप तो विद्वान कृष्ण, आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, आपके अंदर सद्गुण है, आप अच्छे व्यवहार करते हैं, कोमल स्वभाव के, करुण है, तो आप किसी के साथ आपका तो दोष हो ही नहीं सकते, आप भगवान हैं, फिर भी आपकी दर्शन नहीं मिल रहा, आपकी कृपा नहीं मिल रही है, मतलब हमारा दुर्भाग्य है कि हम पिछले जन्म में ऐसे कुछ किया ताकि हमें कृष्ण से अलग होना पड़ा। नागोनी आपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख, ब्रज जने हृदय विदरे किवा मार ब्रजवासी, किवा जियाओ ब्रजयासी, क्यानो जियाओ दुख सही बारे। तो राधा ने क्या बताया, नागोनी आपन दुख, मैं मेरा खुद का दुख नहीं विचार कर रहा हूं कृष्ण, देखी ब्रजेश्वरी मुख, लेकिन एक बार तो अपनी माँ के बारे में विचार करो, यशोदा के बारे में, उनका मुख जब मैं देखता हूँ, ब्रज जने हृदय विदारे, सारे वृंदावनवासी सबके हृदय में वो रोते रहते जब यशोदा मैया को देखते हैं कि कृष्ण विरह में उनके बेटा चले गए, कितने साल हो गए, 100 साल हो गए, अभी तक वापस नहीं आए, उनके मुंह देख के सब लोग रोते रहते। किवा मार ब्रजवासी, किवा जियाओ ब्रजयासी, किवा मार ब्रजवासी, क्यानो जियाओ दुख सहाय बारे। तो आप मुझे समझ में, आप क्यों मार रहे हैं सभी ब्रजवासियों को बिना दर्शन देके, और फिर दर्शन देके क्यों जिंदा करके रखा सबको, और ये जिंदा करके आप असल में हमें दुख दे रहे हैं, अब हम मार दीजिए एक प्रकार से, फिर भी दुख नहीं लगेगा। तुमार जे अन्य वेश, अन्य संग, अन्य देश, ब्रज जने कोभु नाही भाई, ब्रज भूमि छाड़ते नारे, तुमा ना देखी दे मरे, ब्रज जनेर की कवे उपाय। तुमार जे अन्य वेश, तो जब कुरुक्षेत्र में मिले थे बहुत साल, बदल आपकी वेश तो बदल गए, आप राजवेश में घोड़ा है, मंत्रियां हैं, आपका स्वस्थ तलवार है, अन्य संग अन्य देश, ब्रज जाने को भुना है भाई, वृंदावन में कभी भी तारीफ नहीं मिलेगा आपकी इस देश, ब्रज भूमि छाड़ी तेनारे, तुमा ना देखी ले मारे, ब्रज जाने की हवे उपाय। और साथ में बता देखो, ब्रजवासी लोग क्या करेंगे आप बताए, ना तो वृंदावन छोड़ नहीं पाएंगे ये लोग, ना आपके बिना रह पाएंगे, अब बताए क्या करें, क्या करेंगे ब्रजवासी। तुमी ब्रजेर जीवन, ब्रज राजेर प्राणधन, तुमी ब्रजेर सकल संपद, कृपार कृपार्द्र तुमार मन, आशी जियाओ ब्रजजान, ब्रजे हृदय कराओ निज पद। तुमी ब्रजेर जीवन, हे कृष्ण आप वृंदावन वासियों का जीवन है, ब्रज जनेर प्राणधन, उनके प्राण जैसे है, तुमी ब्रजेर सकल संपद, वृंदावन की सभी संपद आप है, इसलिए हे कृपा के सागर, आप आपके मन को कृपा करके हम ब्रजवासियों को जिंदा करो वापस, ब्रजे उदय कराओ निज पौध, इसलिए वृंदावन में आप अपने चरण रखें, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। सुनिया राधे का बानी, ब्रज प्रेम मनयानी, भावे व्याकुलित देह मन, ब्रज लोकेर प्रेम सुनी, अपना के ऋणी मानी, करे कृष्ण तारे आश्रम। जब इस प्रकार श्रीमती राधारणी कुरुक्षेत्र के रणांगण में बता रही थी, तब भगवान कृष्ण के मन में ब्रजवासी के प्रति अट्रैक्शन आ गए और भाव विभोर हो गए चैतन्य भगवान कृष्ण, ब्रज लोकेर प्रेम सुनी, और ब्रज वृंदावन वासी के प्रेम कहानी भगवान कृष्ण के कितने प्रेम है सुन के, और निजे आपना के तृण मानी, और खुद को जो तृण के समान मानते हैं, कौरे कृष्ण तारे आस्वादन, भगवान कृष्ण ये आस्वादन करने लगा, कितने सुंदर वृंदावन वासी जो प्रेम करते हैं मुझसे, कारण प्रिय सुनमोर ए सत्य वचन, तुमा सवार स्मरणे जुरो मुहि रात्रि दिने, मोर दुख ना जाने कौन जान। और सुनने के बाद भगवान कृष्ण पहली बार बोलने लगा,
कि हे प्रिय राधा रानी, आप सबकी चिंतन में, मतलब वृंदावन वासियों की चिंतन में जोरों मोई रात दिन रात मैं आपके बारे में आपके दुख के बारे में मुझे बता रहे, मैं किसको बताऊं। ये याद है जब वृंदावन में ये रथ यात्रा की जो कहानी है कि भगवान कृष्ण यद्यपि वृंदावन में है और सब रानियां हैं, अलग अलग राजभोगी, सभी प्रकार की सुविधाएं, फिर भगवान कृष्ण क्यों रखते मन नहीं लगते उनको, रात रात को जाग जाते थे भगवान कृष्ण, दिन भर उदासीन रहते थे, किसी के बारे में सोचते रहते थे। तो उनको तब पता चला यद्यपि भगवान कृष्ण द्वारका में है लेकिन उनके मन वृंदावन में है, वृंदावन वासी के बारे में सोच रहे थे भगवान कृष्ण। इस प्रकार ब्रजवासी जत जान माता पिता सखगण सब हय मोर प्राण सम, तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, तुमी मोर जीवन रे जीवन। एक श्लोक में पूरा कंक्लूशन दे दिया कृष्ण, चार प्रकार की जो कृष्ण के साथ संबंध है, ये बता रहे हैं कि सच बोले वृंदावन वासी उसमें तो माता पिता, मेरे जो माता पिता और मेरे सखा बंधु, ये मेरा प्राण जैसे हैं, ओके। और उसके बाद बता रहे तार मुद्दे गोपीगण साक्षात मोर जीवन, और जो गोपियां है वो मेरा जीवन जैसे, तुमी मोर जीवन है जीवन। और राधा रानी, राधा रानी तुम हो मेरा जीवन का भी जीवन। तो ये कृष्ण इस प्रकार से क्लासिफाई कर रहे हैं कि कृष्ण के पिता नंद महाराज, यशोदा और बाकी सखा, ये सब भगवान के प्राण जैसे हैं, और गोपी लोग भगवान कृष्ण के जीवन जैसे हैं, राधा है जीवन का जीवन। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी अन्य सखियों को रिप्लाई कर, जब कुरुक्षेत्र में मिलते हैं बहुत साल बाद, कुरुक्षेत्र में मिलते हैं बहुत साल बाद, तो आज हम यहाँ विराम देंगे, हम 150 नंबर श्लोक से नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो ये भक्तों और भगवान के बीच में किस प्रकार प्रेम की आदान प्रदान होता है, ये सेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। भक्त भगवान के बिना एक पल भी रह नहीं सकते, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के बिना रह नहीं पाते। ये अंबरीश महाराज दुर्वासा मुनि के जो एपिसोड है उसमें आते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मदन्यम तेना जानन्ति, मेरे जो भक्त है वो मेरे बिना और कुछ नहीं जानते, ना हम तिब्ब मनागोपी, ना तो मैं भी उनके बिना और कुछ जानता हूँ। तो बिल्कुल और कुछ नहीं जानते भगवान, फिर उनके भक्त के बारे में सोचते रहते। बाकी आप बोल सकते भौतिक संसार में बाकी लोगों को कौन मैनेज कर रहा है, वो भगवान विष्णु को दे दिया, तुम संभालो, मैं तो सिर्फ मेरे भक्त के बारे में सोचूंगा, और भक्त लोग भी भगवान कृष्ण के बिना और कुछ। तो ऐसे जो भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण कभी भी उनसे अलग नहीं होते, ये है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त जिस प्रकार राधा रानी वृंदावन की गोपियां एक पल भी भगवान कृष्ण के बिना रहते थे। तो ये हमें शिक्षा दे रहे किस प्रकार भगवान से विलग होने के बाद भक्त के मनोभाव किस प्रकार होना चाहिए। रो रहे थे, दुखी हो रहे थे साधारण विवन सखिया, इवन चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले, तो उन लोग कुछ समय के लिए भगवान कृष्ण से अलग हो गए, इसलिए कितना दुखी हो गए। लेकिन हम कितने जन्म जन्म से भगवान कृष्ण से अलग हो गए, कितने जन्म जन्मांतर से, लेकिन हमें क्या कृष्ण के लिए इस प्रकार हम फील करते हैं कि भगवान कृष्ण हम कितने बिछड़ गए, अलग हो गए, अपने दूर आपसे दूर हट गए, कब आपको कृपा मिलेगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आके हमें ये शिक्षा दे रहा है, अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, चैतन्य महाप्रभु खुद शिक्षा दे रहा है कि जब हम इस भौतिक संसार हम लोग भगवान कृष्ण से दूर हट गए, अधिक से अधिक भगवान कृष्ण के गुण महिमा कीर्तन करने चाहिए, भगवान के नाम जप करना चाहिए, ताकि हम दोबारा उनसे मिल सके। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की, गौर प्रणाम दे, हरे हरे बोल।